नागिन के आज के एपिसोड में जब बानी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तब वो शकुरा उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, अगर तुम इतनी ऊंचाई से नीचे गिरोगे तो नहीं बचोगी, मर जाओगी और तुमको मुझसे ही शादी करनी होगी और तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो कहता है शादी की तैयारियाँ करो। फिर बानी वहाँ से भाग कर कमरे में चली जाती है। वो सोचने लग जाती है आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा कुछ ना कुछ करके किसी भी तरीके से। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो वीर होता है वो पिंजरे में कैदी होता है, वो बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा होता है। तभी जब बानी उस कमरे में खड़ी होकर सोच रही होती है वहाँ पे दो औरतें आती हैं और कहने लग जाती हैं कि ये रही हल्दी, हमें हल्दी की रस्म पूरी करनी है। इस पर बानी को गुस्सा आता है, वो हल्दी को फेंक देती है। फिर वो औरतें कहने लग जाती हैं कि कोई बात नहीं, हम दोबारा से हल्दी लेकर आते हैं और इसको साफ़ करवा देते हैं। फिर भी बानी सोच रही होती है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लोग दोबारा से हल्दी लेकर आ जाती हैं। बानी कहती है मुझसे दूर रहो, मैंने कहा मुझे ये सब कुछ भी नहीं करवाना है। वो कहती है मालिक का हुक्म है, उन्हें आपसे शादी करनी है, सब कुछ करना ही होगा। बानी कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और खिड़की खोल देती है। उसके बाद वो लोग कहती है नहीं आप वहाँ से मत कूदिए, आप मर जाएंगी, फिर मालिक हमें नहीं छोड़ेंगे। बानी भी कहने लग जाती है कि मुझे जाने दो वरना फिर सोच लेना या फिर मुझसे दूर रहो। वो लोग बहुत कोशिश करती हैं कि बानी वहाँ से ना कूदे, लेकिन बानी सोचती है कि मैं यहाँ से अपनी जान बचाऊंगी और उसे कूदूंगी। वो बानी उन दोनों लड़कियों को धक्का दे देती है, वो दोनों गिर जाती हैं और फिर इतने में बानी वहाँ से कूद जाती है और फिर कहने लग जाती है कि अब तो भोलेनाथ का आशीर्वाद ही है, अब आज जो भी होगा मैं वो स्वीकार करूँगी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास रखती हूँ। और वो वहाँ से छलांग लगा देती है। उधर दूसरी तरफ जो लाल पत्थर होता है उसके पीछे पीछे शुक्ला भी आता है और सोचता है कि आखिर ये लाल पत्थर यहाँ पहाड़ियों के पास क्या करने आया है। इतने में जो वीर का पिंजरा होता है वो टूट जाता है और वीर होश में आने लग जाता है और पिंजरा अपने आप टूट जाता है। उसके बाद वो लाल पत्थर भी वीर की हेल्प करता है। फिर वीर उठता है, कोशिश करता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है। वहीं बानी भी जब ऊपर से गिर रही होती है तब वो देखती है कि एक बहुत बड़ा त्रिशूल होता है और उसे शिवलिंग वगैरह दिखने लग जाती है। तो बानी सोचने लग जाती है कि अब तो मैं सब कुछ भोलेनाथ के ही हाथ में है और आपका जो भी फैसला होगा मैं वो स्वीकार करती हूँ। जैसे ही बानी वहाँ से गिरती है उस त्रिशूल में उसका दुपट्टा फंस जाता है और फिर वो उसी त्रिशूल के सहारे ज़मीन पर आ जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से ज़मीन पे नहीं आती, वो लटकी होती है। इतने में वीर की जब आँखें खुलती है तो वो देखता है कि उसे आसपास कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो जब आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि बानी होती है वहाँ पे जो कि त्रिशूल से लटकी रहती है अपने दुपट्टे के सहारे से। इतने में जब बानी भी देख लेती है तो वो वीरांशु कहती है और फिर जैसे ही वीर आगे बढ़ता है वो गिर जाता है, लेकिन बानी फिर भी उसे बुलाती है। वो कहता है आई एम ओके और वो आगे बढ़ने लग जाता है। तब वीर जाकर बानी को बचा लेता है और उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ त्रिशूल के पास लटक कर क्या रही थी, जिस पर बानी कहती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। फिर बानी को वीर वहाँ से बचा लेता है, तभी वहाँ पे शकुरा आ जाता है और कहने लग जाता है बानी। तो फिर वो कहने लग जाता है वीर कि आखिर ये कौन है और वो तुम्हें ऐसे क्यों बुला रहा है, तुम हो कौन, जिस पे शकुरा कहता है कि मैं शकुरा हूँ। वहीं वीर कहने लग जाता है तुम शकुरा हो या फिर कचरे का डिब्बा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि बानी सिर्फ मेरी है। शकुरा कहता है कि नहीं मैं बानी से शादी करूँगा और वो सिर्फ मेरी है। वहीं वीर भी कहता है कि मैं उसका पहला पति हूँ और तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। इसी बात पर फिर वीर और शकुरा दोनों की लड़ाई होती है। बानी भी उन लोग को कोशिश करती है रोकने की, लेकिन जो शकुरा होता है वो वीर की जान के पीछे ही पड़ा होता है। शकुरा वीर को मारता है, उस पर वार करता है और ज़बरदस्ती वो बानी को ले जाता है और फिर उसके साथ फेरे लेना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि आज इस फेरों के और शादी के साक्षी तुम बनोगे। लेकिन उस वक्त वीर की हालत कमज़ोर थी, वो कुछ नहीं कर पाता है। जब वो अपना पहला फेरा कंप्लीट कर लेता है तो वीर से कहने लग जाता है कि देखो पहला फेरा तो हो गया। फिर वीर फिर भी कोशिश करता है ताकि वो शादी रुक सके, वो फेरे ना ले पाए। वो फिर से उस शकुरा पर अटैक करने जाता है। उधर वो शुक्ला और मोरनी जय भी होते हैं, वो सोचने लग जाते हैं आखिर ये वीर को होश कैसे आया और ये हो क्या रहा है। जय सोचता है कि बस ये दोनों आपस में मर जाएं, फिर बानी को तो हम सब लोग हैंडल कर ही लेंगे। उधर शकुरा आग की एक लकड़ी लेकर वीर की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। इतने में जो वीर होता है अपने त्रिशूल से उस शकुरा पर वार कर देता है और वो शकुरा मर जाता है। वो यही करता है, मरते समय यही कहने लग जाता है कि देखना मैं आऊँगा और हम दोनों साथ होंगे बानी, इतना कह के वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद वीर भी बानी से फिर पूछने लग जाता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी और तुम खिड़की से मेरे लिए कूदी,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बताना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम मुझे पसंद करने लगी हो। मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे सब कुछ महसूस भी हो रहा है और सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। बानी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ खिड़की से कूदी। तब वो कहने जाता है वीर कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसका मतलब मुझे पसंद करती हो, तभी तो तुम उसको पसंद नहीं करती थी। मुझे पता है अब तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ भी है तो एक बात बोलो, तुम्हें तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो तुम मुझसे कह दो, ट्रस्ट मी मैं ये बात किसी से भी नहीं बताऊंगा। बानी बहुत सोच में पड़ जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। वहीं से वीर बानी को ले जाता है और जब बानी होश में आती है तो वो देखती है कि वो अपने कमरे के बाथिंग टब में होती है। वो उठने की कोशिश करती है तभी वहाँ पे वीर आ जाता है और कहता है कि नहीं तुम्हें तो चोट लगी है, मैं तुम्हारे घाव पर मलहम लगाने के लिए आया हूँ, डरो मत, मैं वो शकुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट हस्बैंड हूँ। तब वहाँ से बानी भागने की कोशिश करती है जाने, कहने लग जाती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वीर उसे रोकता है और उसके घाव पर मलहम लगाता है। तब बानी कहती है कि वैसे तुमने जो बात मुझसे जंगल ने पूछी थी उसका जवाब जो है वो ना ही है। वहीं वीर कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, जब तुम बेहोश हुई थी तुमने सारी बातें मुझसे बोल दी कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तुम तो मेरे प्यार में बिल्कुल दीवानी हो, पागल हो, ये सब बातें बोलने लग जाता है। जिस पर बानी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तब वीर भी हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ बातें जानता हूँ। जब वीर बानी के घाव पे मलहम लगा रहा होता है तब बानी कहने लग जाती है कि वैसे भी जैसे तुम कहते हो कि तुम किसी को उधार नहीं रखती, मैं भी किसी को उधार नहीं रखती, अगर तुमने मुझे मलहम लगाया है तो मैं भी तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। वीर को भी जहाँ पर चोटें लगी थी फिर बानी भी उसे मलहम लगाने लग जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि अच्छा वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तुम बताओ कि आखिर बात क्या थी, तुमको देख के लग रहा था कि तुम बहुत कमज़ोर थी, इतने दिन तुम थे कहाँ पे। जिस पर वीर कहता है मुझे पता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है। फिर बानी कहती है कि तुम्हें ये सब बातें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे पूछने की और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बानी कहने लग जाती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे चेंज करना है। जिस पे वीर कहता है नहीं उसके पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो और मुझे वादा करो कि तुम अब आइंदा कभी अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी। फिर बानी को कुछ समझ में नहीं आता और वो फिर कहती है कि तुम यहाँ से जाओ मुझे चेंज करना है। जिस पे वो कहता है कोई दूसरा वादा मुझसे ये करो कि अब तुम कभी दोबारा उस ढाबे वाले से नहीं मिलोगी। वहीं फिर बानी कहने लग जाती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसकी वजह क्या है। जिस पर वीर कहने लग जाता है कि इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से मिलो, जैसे मैं शकुरा को पसंद नहीं करता था वैसे मैं उस ढाबे वाले को भी नहीं पसंद करता, तुम उससे नहीं मिलोगी। इतना कह के वीर वहाँ से चला जाता है। बानी जब बाथरूम से बाहर आती है वो देखती है कि वीर के हाथों में लाल पत्थर होता है। फिर बानी कहने लग जाती है मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से मिला था। इस पर वीर कहता है अच्छा। बानी बताती है कि मैं एक बार तुम्हारे घर से भागने की कोशिश कर रही थी, तब मैं अचानक से मेरा पैर फिसल गया था और मैं तुम्हारे घर के बेसमेंट में जाकर गिर गई थी। फिर मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारा खजाना है। जिस पर वीर कहता है कि अब तो इतना खजाना तुम जानिए कि वहाँ हमारे पास है, तो इसके बाद तुम कभी मुझसे शादी तोड़ोगे तो नहीं। जिस पर बानी कहती है तुम मुझे अभी अच्छे से जानते नहीं हो, और वहाँ पर वो जो खजाना है उसके साथ यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद नहीं पता। वहाँ पर एक ऐसा कमरा है जिसमें ताला लगा है, उसके अंदर कोई कैद है। वीर कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसा है क्या। जिस पर बानी कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम खुद जाकर देख लेना। वहीं बलवंत बानी की ये बातें सुन लेता है। इसके बाद वीर कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी बलवंत सोचता है इससे पहले वीर उस कमरे में जाए इससे पहले मैं ही उस तहखाने में चला जाता हूँ और जल्दी से जाकर उस ताले को छुपा देता हूँ। फिर बलवंत नीचे जाता है, तुरंत से उस ताले को छुपा देता है। तभी वहाँ पे वीर आ जाता है, तब बलवंत वहाँ पे कहीं छुप जाता है। उसके बाद वीर आता है उस लाल पत्थर को मतलब गंधक को उठाकर उसके प्रॉपर प्लेस पर रखकर बक्से को बंद कर देता है। जैसे ही वो बक्से में रखता है तभी उस रूम में जो भी बंद कैद है वो अपनी आंखों से देखने लग जाती है कि वहाँ पे वीर आ चुका है। उसके बाद जैसे ही वीर पलटता है सोचता शायद पीछे कोई है, वो देखता है कि बलवंत नीचे आ रहे हो। तब कहते हैं कि अरे डैड आप ऊपर क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे। जिस पर बलवंत कहते हैं तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो पूछने लग जाते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम इतने दिन से थे कहाँ पे। जिस पर वीर कहता है कि मैं पिंजरे में था इतने दिनों से, वैसे आप लोग इतने दिन से उसके साथ रह रहे थे आप लोग को पता नहीं चला। जिस पर बलवंत कहने लग जाते हैं हम क्या बताएं, उस बहरूपीय वीर ने तो इस घर में बहुत कुछ तबाही ला के रख दी, अब तो मैं सोचता भी तो मेरी रूह कांप जाती है। फिर बलवंत अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इसको तो बहुत सारी शक्तियाँ मिलने वाली थी क्योंकि उस घड़क की जो रेत थी वो पूरी तरीके से नीचे आ गई थी, तो इसको शक्तियाँ मिली क्यों नहीं और इसे क्यों नहीं समझ में आया कि वो सतयुग काल का जो भी था वो आकेश था, इसको बिल्कुल भी कुछ भी याद ही नहीं उस बारे में। तब बलवंत कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग चल के ऊपर चिल करते हैं और दारू पियर पीते हैं, आगे जो होगा आप देखते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ कमरे में जो कैद होती है वो कहने लग जाती है कि मेरा बेटा आ गया है मुझे बचाने के लिए, बस वो इतना कहती है। उधर
बानी को जय का फ़ोन आता है और वो पूछने लग जाता है कि अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ था। जिस पर बानी कहती है कुछ नहीं, बस वो बहरूपिया मुझे सातवें आसमान में बादलों के बीच लेके चला गया था, मुझसे शादी करना चाहता था। तभी भी वहाँ पर वीर पहुँच गया सही वक्त पे और उसने मुझे जान से बचा लिया, नहीं तो फिर वो मुझे मार देता और मुझसे शादी कर लेता। इस पर जय कहने लग जाता है कि सब कुछ उस वीर का ही किया धरा है। जिस पर बानी कहती है नहीं, मैं तुमसे पहले ही बता चुकी हूँ मंदिर में कि वीर का इसमें कोई हाथ नहीं, वीर ने कुछ भी नहीं किया है। जय कहता है कि जब देखो तब तुम बस उस वीर के बारे में ही बात करती रहती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो।